श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है, और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चंद्र की पोजीशन भी आज बहुत बढ़िया है। आज चंद्र आपकी कुंडली में पहले स्थान में रहेंगे। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी कोशिशें इस दिन सफल होगी। आपको अच्छा मुनाफा, अच्छी तरक्की दिखाई देगी। कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी रहेगी। आज सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए दिन मजेदार रहने वाला है। सुबह से ही प्रसन्नता और उत्साह से भरे रहोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, साथ में सक्सेस भी मिलती दिखाई दे रही है। ये समय सेलिब्रेट करने का रहेगा। हमें हमारे जीवन को रोज सेलिब्रेट करना चाहिए। आपके परिवार के साथ आज आप अच्छा समय बिता सकते हैं। परिवार के साथ कहीं वेकेशन पर जा सकते हैं, होटलिंग करनी है या कहीं घूमने जाना है तो समय बेहतरीन है। इस दिन आपको अपने परिवारजनों की खुशी के लिए, उन्हें आनंदित करने के लिए उनके साथ समय बिताना जरूरी रहेगा। इस दिन आप और आपके पार्टनर के बीच जो रिलेशन है वो और मजबूत बनेंगे। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से सारी परिस्थितियां अनुकूल है। पुरानी कुछ खटास चल रही है तो दूर करने के प्रयास जरूर करें। समय आपके पक्ष में है। घर परिवार में शांति, खुशहाली और आनंद से भरा माहौल रहेगा। ये समय किसी चीज की खरीदारी करने के लिए भी काफी अच्छा है, तो आप कोई बड़ी चीज भी इस दिन खरीद सकते हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो लव लाइफ के लिए भी ये दिन अच्छा है। ये दिन आपके संबंधों को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप सिंगल है तो किसी के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, और अगर आप पहले से ही किसी से जुड़े हुए हैं तो शादी के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं। आपके माता पिता के सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखना है तो सफलता मिल सकती है। समय हर तरह से अनुकूल रहेगा। इस वक्त कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आने की संभावना भी बनी हुई है। किसी भी जोड़ीदार का चयन करते वक्त तात्कालिक आकर्षण पर ना जाए, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि क्या वह व्यक्ति आपके भविष्य के लिए अनुकूल है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय शुभ रहेगा। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इस समय विद्या ग्रहण करना आपके लिए आसान नजर आ रहा है। भाग्य का साथ और आपका परिश्रम आपके लिए रंग लेकर आएगा। इस समय में आप मेहनती रहोगे और लगन के साथ काम करोगे। भाग्य भी साथ दे रहा है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए भी समय अनुकूल है। आपके डाइट में प्रोटीन से भरे बादाम का प्रयोग जरूर करना चाहिए। रोज दूध का सेवन करें। ये प्रोटीन से भरी चीजें आपको अंदर से और बाहर से काफी स्ट्रांग बनाएगी। तेल, शक्कर, चाय, कॉफी, इन चीज़ों का कम से कम सेवन करें, और पिज्ज़ा, बर्गर जैसे फास्ट फूड को अपने डाइट से बाहर रखें ताकि आप स्वस्थ और मस्त रह सकें। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति है तो कभी बीच में अगर फास्ट फूड का सेवन आप करते भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग बीमार है उन्हें इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, खान पान अच्छा रखें, सुबह का टहलना जारी रखें। इस दिन ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और 9 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।